आज हम बनाएंगे जामुन की आइसक्रीम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजना। होम किचन में आपका खूब खूब स्वागत है। इस आइसक्रीम को हम बिना कुक किए बनाएंगे और ना तो हम इसमें मिल्क का यूज़ करेंगे और ना ही हम किसी क्रीम का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं हम बनाना जामुन की आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं केले और इसके साथ साथ ये मैंने लिए हैं जामुन। इन दोनों को साफ़ करके मैंने इनकी कटिंग कर ली। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें ये दोनों फ्रोजन चाहिए। इसके लिए हम इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद इन्हें फ्रिज से बाहर निकालेंगे और एक लेंगे मिक्सर जार और इस जार में इन दोनों फ्रूट्स को हम डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसी में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 2 छोटे चम्मच हम इसमें डाल देंगे शहद और इन सबको ग्राइंड करके इनका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने क्रीमी जामुन का पेस्ट रेडी कर लिया। अब हम लेंगे कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर और इस कंटेनर में हम इस पेस्ट को डाल देंगे। और थोड़ा सा इसे थपथपा देंगे ताकि जो हमने पेस्ट इसमें डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से अपना कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और इस कंटेनर को कवर करके हम 5 से 6 घंटों के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। 5 घंटे के बाद इस कंटेनर को हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे। हमारी आइसक्रीम एकदम जमकर रेडी है। इस आइसक्रीम को हम कंटेनर से बाहर निकालेंगे और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर रेडी है। इस आइसक्रीम की अब हम कटिंग करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइसक्रीम की कटिंग करने के बाद लास्ट में किसी भी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारी यम्मी जामुन की आइसक्रीम। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।